पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, क्या आप इसमें फर्म बिलीवर हैं? सी, विजुअलाइजेशन में होता है कि आप मेडिटेटिव स्टेट पे जाकर आप वो चीज देख रहे हैं कि ये तो हो गई, मतलब नॉट की होगी, हो गई, एंड देयरफॉर आप मन में धन्यवाद भी कर रहे हैं, दिस ग्रेटिट्यूड, दिस थैंकफुलनेस की, ये हैप्पीनेस की आपका हो गया ये काम. एक होता है मॉनेटरी लॉस, एक होता है पर्सनल लॉस. हाँ जी, मॉनेटरी लॉस में तो चलो ठीक है कह सकते हैं आपको, पर्सनल लॉस में भी क्या यही फिर फिलॉसफी रखनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, वही बोल रहे हैं ना कि नहीं तो आप आपने आगे के साल खराब कर रहे हो ना. ग्रेटिट्यूड की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? दुनिया में कितने लोगों के पास घर नहीं है, आप जो खाना पीना चाहते हो वो खा पी सकते हो, तो आपको तो कितनी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको हमेशा थैंक यू कहना है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है. तो आप अपने पूरे शरीर को देखिए तो शरीर में कितने सारे सिस्टम हैं जो 24/7 काम करते हैं आपका बिना इस बारे में सोचे हुए. एग्जैक्टली, मेरी उंगली की सर्जरी हुई करीब 2-3 हफ्ते पहले, अब मुझे रियलाइज हुआ एक छोटी सी इस उंगली की कितनी वैल्यू, जो चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं लाइफ में कि चलती रहेंगी नॉर्मली, वो हल्की सी डिस्टर्ब हो जाए तो एकदम से लाइफ. तो मैंने एक ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम किया था बॉडी का, 28 दिन वो बॉडी का एक एक सिस्टम क्या क्या काम करता है, एक एक ऑर्गन क्या क्या काम करता है, और उसके लिए उसको थैंक करने का. तो वो समझ में आया कि इतनी चीज़ें आप सोचते भी नहीं हो कि बॉडी कितने फंक्शंस कर रही है.